जो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। हेलो गाइस, तो आज हम अपने पुराने स्कूल में आ रखे हैं जिधर की हम 1 से 8 क्लास में पढ़े थे। तो आज हम आपसे उस स्कूल को दिखाने वाले जिस स्कूल में हम पढ़े थे। तो चलिए हमारे साथ बनते हैं। तो गाइस, हम जो है आज अपने स्कूल में आ रखे हैं अपने ओल्ड मेमोरीज स्कूल की यादों में, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक हम इधर ही पढ़े हैं। तो हमारे साथ तनुज और मैं हूँ, जो पहले से यहाँ पढ़े हैं कक्षा 3-4 से। आई थिंक मैं तो यहाँ 1 से पढ़ा हूँ, तनुज भी यहाँ 1 ही से पढ़ा है ना। हाँ, वो भी यहाँ 1 ही से पढ़ा है। तो आपको पूरा ब्लॉग देखना है गाइस, क्योंकि ये हमारी ओल्ड यादें हैं। तो आपको इस पूरे ब्लॉग को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम जो हैं इस रास्ते से हम ऊपर आए थे, तो तने जो बताएंगे आगे। तो गाइस, हमें आज याद आ गई थी कि आज हम अपने स्कूल में जाएंगे और वहाँ से हम देख के आएंगे कि हमारे स्कूल अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए हम इस स्कूल में आए हैं। तो आपको दिखाते हैं हम। सबसे पहले ये देखो गाइस, यहाँ पे कॉलेज बन रहा था, तो यहाँ पे साइड से कैंसिल हो चुका है। फिर आपको हम मिलाते हैं इधर। आप जो कि बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। तो गाइस, ये जो नई बिल्डिंग बनी है ये अब नई बन चुकी है, जो कि 2022 में बनी थी। इधर की अभी कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ते हैं। इधर जो प्राइवेट कॉलेज है वो हमारे स्कूल में खुल चुका है। पहले स्कूल था लेकिन अभी भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, जो कि बहुत कम संख्या है। लेकिन हम उस चादर वाली स्कूल में पढ़ते थे, तो हम वहाँ आपको मिलाएंगे। तो बने रहे, तो आगे बने रहे ब्लॉग में। तो चलो आगे चलो। तो ये देखो, क्लास 5 से 8 क्लास है जिधर बच्चे पढ़ते हैं, और इधर भी कमाए हैं स्कूल बच्चे पढ़ते हैं। ये देखो गाइस, अंदर क्लास के अंदर टेबल चेयर रखी है। बाकी आप देखते रहो, क्योंकि हमारे ओल्ड स्कूल की याद है भाई। वैसे ये नया बना है स्कूल, और ये रूम नंबर 7 है आई थिंक। ये लागत है 7 लाख रुपए है जिसमें ये बना था। यहाँ पे एक नोटिस भी लिखा है। तो हमने गाइस बताया था कि हमारे स्कूल का जो नाम है वह स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए सीट भी है, ताकि यहाँ पे स्टाफ रूम बेड स्टाफ लोग बैठ सकें। और ये गाइस, इसको चेक मारो भाई, यहाँ हम 8th क्लास में हम इधर पढ़ते थे। हालांकि आज यहाँ प्रिंसिपल रूम है शायद। इधर हम पहले पढ़ा करते थे कक्षा 8 में। हमने यहाँ मतलब सिद्ध हो किया, एक्सप्लोर किया, और अंदर यहाँ हमारा वो था, यहाँ क्या था हमारा ध्यान ही रखा। हाँ, यहाँ पर लोग हम प्रेयर कराते थे, क्योंकि यहाँ पर मंच संचालन होता था स्कूल। साउंड से दिखाता हूँ फ्रंट से। तो भाई, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाचनालय, यहाँ पे लिख रखा पुस्तकालय। तो यहाँ पे हमारे स्कूल से पहले प्रेयर होती थी, और जैसे बड़े जैसे 15 अगस्त कुछ ऐसे प्रोग्राम होते थे जो यहीं पे संचालित किए जाते थे। यहाँ पे हमारे साथ जो दिखा रहे हैं ये है तिरंगे के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है। यहाँ पे जो हमने जो प्रोग्राम किए थे 15 अगस्त में, तो हमने यहाँ पे एक बार हमने नाटक भी किया था और गाना भी गाया था, देशभक्ति गीत भी गाया था। हाँ, याद है। हाँ, हमने यहाँ पे नाटक ज्यादा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी बंद है, अगर खुला होता तो हम दिखाते। इस पे हमने 1-2 बार भाषण भी दिया है। एक बार हमने यहाँ पे नाटक भी किया था गाइस, जिसमें हमने स्वच्छता एवं स्वर्ग आयोग के नाम से नाटक था, जिसमें तनुज भाई हमारे क्या बने थे यार उस समय, ध्यान नहीं यार। मैं तो समय शायद बना था, मच्छर बना था मैं उस समय। तू क्या बना था उस समय? मैं किसान बना था। हाँ, ये किसान बना था भाई। तो ओल्ड याद है भाई, क्या बोल यार। वैसी प्रधानाचार्य कार्यालय था जिधर हमारे प्रधानाचार्य जी रहते थे। और हमारी जो क्लास जो फर्स्ट क्लास शुरू हुई थी वो हुई थी यूकेजी से। हाँ, यूकेजी में पढ़ा था यहाँ, यूकेजी फर्स्ट से थर्ड में पढ़ा था। और जो फोर्थ की क्लास थी वो इस क्लास में थी, और जो हमारी 6th 7th की जो क्लास थी बिल्कुल राइट। और ये जो ये क्लास है ना गाइस, ये क्लास मेरी फेवरेट क्लास थी। हालांकि हम कभी कभी बैठते थे। हाँ, यहाँ हम सिर्फ 6 क्लास नहीं 6 क्लास में सिर्फ 6 बच्चे थे जो हम यहाँ रहा करते थे। हालांकि इस समय यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा दिखेगा नहीं अंदर। तो गाइस, हमारा टॉयलेट था इधर। क्या था कि जब हम इधर टॉयलेट में आते थे तो हमें इस दरवाजे को पकड़ के रखना था। एक दोस्त पकड़ के रखता था तो दूसरा टॉयलेट करता था। Oh, my God.
हाँ ये सीन था गाइस हमारा उसमें। अरे सो गाइस मेरा चार्ट जो है इधर अंदर, यहाँ पहले पड़ा कर दिखेगा नहीं, अंदर पर मेरा चार्ट है, बहुत पुराना चार्ट है, अच्छा 4 या 5 बनाया था मैंने, बट दिख नहीं रहा हुआ अंदर। सो गाइस तनुज ने एक बात आई थिंक आपको बताया नहीं, इसने इस स्कूल में 3 बार टॉप भी किया है, तो इसमें शायद इसके परसेंटेज कितनी आई थी, कितनी आई थी परसेंटेज यार 8th में? 91% आई थी भाई की, तो ये काफी अच्छी बात है। तो गाइस हम यहाँ पे दौड़ते थे और यहाँ पे हम झूला खेलते थे, जिससे कि हमने एक बार जो यहाँ इधर भी झूले थे तो यहाँ पे हमने तोड़ दिया था, इतना ज्यादा खेलते था तो यहाँ पे सब फिर नए बने थे, तो अभी भी एक यहाँ पर स्थित है और यहाँ पे हम पानी पीते थे। और गाइस एक बार के सीन में आप बता मतलब बता रहा हूँ, यहाँ पे आई थिंक जितना मुझे याद है इस जगह पे हमने मतलब हम बैठे थे उस दिन 7th, आई थिंक हम 7th में थे, तो एक बार क्या हुआ तनुज भाई मतलब के पास बॉल आ गई थी, मतलब बॉल ही बॉल यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे 8th क्लास वाले, तो बॉल तनुज भाई के पास, तनुज भाई इतना डर के बारे में बेहोश हो गए थे उस समय। ये बात सच है, हालांकि उसको याद है कि नहीं याद है ना, याद तेरे को? गिरा था बेहोश हो गया एकदम से, मतलब लगे ना सर भी, इसीलिए उस समय हम छोटे भी थे तो इस कारण हो गया था सीन अलग ही। तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज इस स्कूल की हमारी। इस समय तो हम कैमरा में पढ़ते हैं आपको पता ही होगा, तो वहाँ और यहाँ में काफ़ी डिफरेंस है। गाइस एक बात हो रही है, आई थिंक मैं यहाँ पे आया था 2nd या 3rd में, दूसरे क्लास में यहाँ आया था, तो इस स्कूल में हमारी काफ़ी ज़्यादा यादें हैं और 10 से 12 साल हमने इसी स्कूल में बिताए हैं। तो तनुज भाई बताएंगे आपको कैसे लग रहा है इस स्कूल में आने के बाद अभी? वैसे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उस समय से मैं इस स्कूल में दोबारा आया तो मुझे अपनी पुरानी यादें जो है मुझे याद आ गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा हम स्कूल में। तो एक बार किससे सुनाता हूँ, एक बार की बात है, हम इस वाले झूले में हम बैठे थे, तो आई थिंक आदित्य भैया और विकास भैया ने मतलब उस समय हम खिला रहे थे ना, तो उस समय हम 6th में और आदित्य भैया विकास जो उस समय थे 7th में, तो हम मतलब ऐसे हम झूला खेल रहे थे, तो भैया ने इतना तेज धक्का दिया कि झूला पलट गया। और आपको पता है गाइस एक चीज़ आपको बता दो, ठीक है यहाँ गाइस ये देखो, ये एक रीलिंग है इधर पे और ये एक रीलिंग है इधर पे, मैं आपको बता दूँ ये हमने तोड़ा था उस समय की बात है, हमने तोड़ा था। गाइस तो अभी मैंने आपको कहा था कि हमारी जो प्रेयर होती हुई यहाँ होती थी, लेकिन बट उससे पहले जो जब हम शुरुआत में जब हम 1st-2nd क्लास में पढ़ते थे तो प्रेयर यहाँ पे होती थी, जिस समय कि बहुत सारे बच्चे थे, अब तो 20-30 बच्चे रहते हैं, उस समय तो कम से कम 400 बच्चे थे हम इस स्कूल में। देखो तो ये अब कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो रहते हैं इधर, तो यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर दीप प्रज्वलित होता था, और ये यहाँ पे हमारे स्कूल की जो पुरानी फ़ोटोज़ है वो है यहाँ पे, तो हमारे वैसे फ्रेम लगा हुआ था जिस पे हम सब बच्चों की क्या थी फ्रेम थी, लेकिन अब तो नहीं है साइज से यहाँ पर। तो जो ये क्लासें थी इधर पहले 7th-8th बड़ी क्लासें यहाँ रहती थी, तो हम भी सोचते कि हम भी जब हम छोटे थे तो हम भी सोचते थे कि हम यहाँ पर आएंगे, लेकिन बट उसके बाद ये बंद हो गए थे और हम उधर पढ़ते थे। तो इधर के बारे में जितना कहूँ तो उतना ही कम है, इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, आगे भी हम यहाँ पर आते रहेंगे, क्योंकि हमें ना अपने स्कूल को भूलना नहीं चाहिए जो कि हमारे जिस स्कूल से हम पढ़े हुए होते हैं। तो प्रिंस भाई आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं? ओ गाइस इधर पे जो है हमारी ओल्ड मेमोरीज यादें, हालांकि इस पे हमारी फ़ोटो नहीं है, बट इसमें सारी वो फ़ोटोज़ है जो हमने उस समय हम इधर ही थे जिस समय फ़ोटोज़ क्लिक की गई थी। तो गाइस ये हमारे स्कूल का जो सर ने यहाँ पे बैंक छोटा ऑफिस है जिधर मैं बैंक खोल रखा है इधर, तो इधर हमारी पुरानी फ़ोटोज़ है जिसे देखा तो हमें बहुत हंसा है, इसमें हमारे छोटे बचपन की जो फ़ोटोज़ है, इतने सारे बच्चे पहले इधर पढ़ते थे, हमारे जो संस्थापक सर थे उनका नाम है श्री गोविंद सिंह रावत, तीनों के ऑफिस में
यहाँ पे सर बैठते थे अंदर और इसके अंदर जो दरवाजा आपको दिख रहा है उसके अंदर हमारी बुक्स रहती थी क्योंकि उस समय प्रोवाइड की जाती थी। तो गाइस इसमें हमारे जो रावा सर है वो भी इसमें दिख रहे हैं गाइस। तो देखो यहाँ पे जूम कर दिखाना ये हमारे रावा सर है जो कि कैमरा में पढ़ाते हैं। तो हमें हमें अभी दिखा कि हमारे रावा सर भी यहाँ आए थे पहले साइज से, बहुत पहले आए थे इधर। तो उस टाइम की ये फ़ोटो वार्षिक उत्सव था साइज से उस टाइम, तो उस टाइम की ये फ़ोटो है। वैसे हमें जो अपनी जो बचपन की जो यादें हैं वो संभाल के रखनी चाहिए। तो गाइस हमारे ब्लॉग का होता है बीएम, तो जितना हम इसके बारे में बताना चाहते हैं कम है ऐसे रात हो जाएगी। तो इस भाई के चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स, गुड।